नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आज हम आपके सामने विसर्ग संधि का तथ्य आपके समक्ष ला रहे हैं, इसकी पिछली वीडियो में आपको हमने व्यंजन संधि और आपका स्वर संधि के बारे में आपसे हमने चर्चा की, आज हम आपको विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। तो विसर्ग संधि का हम सर्वप्रथम परिभाषा देख लें क्या है। विसर्ग के बाद, विसर्ग का चिन्ह आपका ऐसे होता है, ठीक ना। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर, स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर, बहुत ही ध्यान से आराम से समझते चलिए। अब देखते हैं इसकी पहली संधि जो है, उस संधि का नाम है सत्व संधि। अब इसको देखते हैं हम, इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य यस्य सः, विसर्जनीयस्य यस्य सः, सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य यस्य सः। अब देखते हैं इसके बारे में, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। अब खर प्रत्याहार आपको कैसे मिलेगा, हम आपसे फिर आप बार बार निवेदन कर रहे हैं कि माहेश्वर सूत्र को याद करिए। आप खर प्रत्याहार को कैसे आप अब आपको कैसे मिलेगा, किस वर्ण से, किस लाइन से मिलेगा, इसका नंबर कितना है। अब देखिए खर प्रत्याहार में, अब खर प्रत्याहार में आपने देखा होगा खप छठत चटतव। अब देखिए यहाँ शुरू हो गया ख ना, तो खप छठत चटतव कपय स स स र। अब देखिए यानी खप छठत चटतव क प य स स स, तीनों स आपके और फिर उसके बाद आप कर रहा है, तो यहाँ पे आपका वो कंप्लीट क्या बन गया, खर प्रत्याहार। मतलब उसके अंतर्गत ये आपके सभी प्रत्याहार वर्ण हूँ तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। अब देख लेते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पर हमने शब्द लिया हरिस्त्रायते का, और हरिस्त्रायते में खर प्रत्याहार का अब हमने हमको वर्ण देखना है। तो हरिस्त्रायते में इसका जब हम खंड करेंगे तो ये जो आपका आधा सा है ये क्या होगा, विसर्ग में परिवर्तित होगा, ठीक ना। तो ये हो गया हरिह धन त्रायते, और उसके बाद फिर विसर्ग का, अब देखिए यहाँ विसर्ग के स्थान पर दंत सा करना है हमें आपकी सत्व संधि की विसर्जनीय से यश के हिसाब से। तो जो है तीसरी लाइन में जब फिर हम विसर्ग को आधा सा यानी दंत सा में परिवर्तित करेंगे तो हरीश धन त्रायते होगा, और फिर इसके बाद जब हम जो है इसको जो पूर्ण रूप में लाएंगे तो हरीश त्रायते हो जाएगा, क्योंकि आपका आधा ये सा है तो ये आपका दंत सा हो जाएगा। क्लियर, तो ये जो है आपका हरिस्त्रायते ये शब्द कंप्लीट हुआ। उसी हिसाब से आपका वृक्षस फलति है, तो वृक्ष धन फलति, फिर वृक्षस धन फलति, और फिर इसको कंप्लीट शब्द में लाएंगे तो वृक्षस फलति हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका फ जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत है, ठीक ना। और इसके बाद आपका ये तीसरा है मनस्ताप। अब मनस्ताप में देखते हैं, मनस्ताप में आपका, अब देखिए मनस्ताप आपका है आपके सामने, तो मनस्ताप में आपका ता जो है आपका खर प्रत्याहार के अंतर्गत है, खप छठत चटतव तव व ता आया ना, तो वही यहाँ पे खर प्रत्याहार का वर्ण हो विसर्ग के बाद, ठीक ना। ये आपका विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद आपका ये ता आया है ना, तो उसी हिसाब से सब में है, समझ रहे हैं ना। खप आप देखिए फा भी आया खर प्रत्याहार के बाद, तो वही यहाँ पे कह रहा है, और आप ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगी। इतना मेहनत से हम आपको बता रहे हैं, पूरे मैटर को लिखते हैं तब आपको बताते हैं, और किताब आप पढ़ेंगे तो आपके सर से उड़ जाएगा, पता नहीं पाएंगे आप, समझ भी नहीं आएगा, इसलिए इसका निचोड़ लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मनस्ताप का मन धन ताप हो जाएगा, फिर विसर्ग में हम चेंज करेंगे तो ये आपका सा हो जाएगा, आधा सा, और फिर धन ताप हो जाएगा, और जब इसको मिलाएंगे तो मनस्ताप हो जाएगा। क्लियर,
तो यही है विसर्जनीय से ससा सत्व संधि में। क्लियर। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे है आपका दूसरे नंबर पर रुत्व संधि। रुत्व संधि के बारे में समझते हैं। तो दूसरा संधि है रुत्व संधि, इसका सूत्र है स सजुसो रु, स सजुसो रु, स सजुसो रु रुत्व संधि। अब देखते हैं इसके बारे में। ये आपका स हमने कम्प्लीटली लिख लिया जो कि आधा सा में रहेगा। ये आपके संधि के हिसाब से इसका जो है पाणिनि ने इसका ऐसे ही व्याख्या किया है, इसलिए हम इसमें और अतिरिक्त आपको नहीं बताएंगे। इन्होंने सा को आधा सा मान लिया, इन्होंने सूत्र दिया है पाणिनि महोदय ने, हमने इसमें कुछ नहीं किया, केवल उनके अनुसार हम चल रहे हैं। और सजुसो को सजुस रखा, सजुस में आपका उन्होंने केवल सा मान लिया। क्लियर। और ये जो आपका रू लिखे हैं अलग से, ये रू जो है सा और एक आपका दंती सा और मूर्धा सा, ये दोनों मिलकर रू बन जाएंगे ये वाला। क्लियर। तो समझ रहे हैं ना आप। तो सजुस में केवल आपका केवल खष्टी सा लिया जाएगा, जिसको आप कहते हैं मूर्धन्य सा। क्लियर। तो ये सा और सा ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, तो रू हो जाएंगे ये। आप समझ गए ना, ये मतलब क्या है, रुत्व संधि का सूत्र ये है और इसका खंड ऐसे हम करेंगे। अब देखते हैं इसके बारे में, पद के अंत में, इसकी परिभाषा है पद के अंत में दंत सा हो। पद के अंत में यानी यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, स पद के अंत में सा हो या सजुस का सा हो। सजुस का मतलब आपका खष्टी सा, जिसे कहते हैं मूर्धा। क्लियर। मूर्धा सा तो हो, तो इन दोनों सा सा के स्थान पर रू आदेश हो जाता है तथा रू में रा शेष बचता है। क्लियर। अब देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ आपका पितुस धन इच्छा, अब देखिए दंत सा हो या सजुस का सा हो, तो यहाँ पे आपका दंत सा है और ये आपका सजुस का जो सा है, इसका बहुत ही रेयर केस में आपका इसकी इसके शब्द मिलेंगे आपको, वैसे हम इसका बहुत ढूंढे जो मिला नहीं हमें, तो ये सा आपको मिलेगा नहीं रुत्व संधि में। तो देखते हैं अब इसके बारे में आगे देखिए। और फिर उसके बाद इन दोनों सा के स्थान पर रू का आदेश होगा। अब सा जो आया इसको हमने रू में परिवर्तित किया, ये रू आपको देख रहे हैं, तो पितुरु धन इच्छा, और फिर रू को जो है फिर हम रा शेष बचता है, तो रू को फिर हमने आधा रा में किया, तो पितर धन इच्छा हो गया, और फिर जब इसको हम मिला देंगे तो ये पितृक्षा हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है आपका रा जो है ये छोटी की मात्रा के साथ मिलकर पितृक्षा बना लेगा। क्लियर। उसी हिसाब से आपका है गुरु धन नमत, फिर गुरुरु नमत, फिर गुरु धन रा, फिर धन नमत, फिर गुरु नमत हो जाएगा। तो ये जो है आपका इस तरह से रुत्व संधि का ये मैटर आपके सामने हमने रखा और आपको समझ में भी आया होगा। और बहुत ध्यान से इसको बार बार इसको घुमा फिरा के वीडियो को पॉज करके समझिएगा, हमारी वॉइस को ध्यान पर अपने दिमाग में सेट करने का प्रयास करिएगा। बुक से पढ़ेंगे तो गारंटी है समझ में नहीं आने वाला है, सब बाउंस करेगा, उसमें उल्टा सीधा ऐसे लिखा है कि आप उसको सेट ही नहीं कर पाएंगे दिमाग में। बिना जो है हम भी गुरु से ही अपने पढ़े हैं, तो आप भी गुरु से ही पढ़िए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी संधि। क्लियर। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको हकीकत बता रहे हैं, किताब से आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, इसलिए आप ध्यान दिस पर दीजिए। अब चलते हैं आगे। आगे है आपका उत्व संधि। उत्व संधि को देख लें हम, इसका सूत्र है अतो रो रु प्लु दा दप्लु ते, अतो रोर रप्लु ता दप्लुते। क्लियर। अब देखते हैं इसको, जब हम इसको अलग अलग करेंगे, खंड करेंगे, अतो में अत, ये रो आपका रू, फिर उसके बाद अप्लुत ये हिस्सा, और उसके बाद अत। क्लियर। और फिर उसके बाद दप्लुते, तो ये दप्लुते में आपका इसको हम अप्लुत मान लेंगे। क्लियर। और अप्लुत में जो है ये प्लुत को हटा के केवल हम आ लेते हैं, इसमें भी वही कंडीशन है, और इसमें अत को हम कट कर देंगे। क्लियर। और इसमें भी अत को हम कट कर देंगे, उसी हिसाब से आपका अ रु, ये हरस में आपका आएगा, इसलिए यहाँ पर केवल हमने हरस लिया,
और इसके बाद अत में आ बचेगा, फिर यहाँ पे अप्लुत को हमने हटाया, आ बचा ह्रस्व, ह्रस्व को आ में हम रखते हैं, और फिर जब इनको हम एक साथ रखेंगे तो ये आ और ये आ आपका एक साथ हमने यहाँ पे लिखा, और रू आपका हो गया, और ह्रस्व ह्रस्व जो है आपका आपके सामने है, ये सभी जो है आपके एक साथ मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, ना समझ में आए तो फिर से आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में फिर से पूछ लीजिएगा, हम बताने के लिए आपके लिए बेहद उत्सुक रहते हैं, तो आप ज़रा से भी संकोच मत करिएगा। तो ये जो है इसकी अब हम परिभाषा को देख लेते हैं। यदि अप्लुत यानी ह्रस्व आ के बाद रू हो तो रू के बाद अप्लुत ह्रस्व आ हो तो रू का जो है ऊ हो जाता है। ध्यान से फिर से समझिए, यदि आ के बाद रू हो रू के बाद फिर आपका आ हो तो रू का जो है ऊ आदेश हो जाता है। क्लियर? अब देखते हैं आगे कैसे होगा, उसको देखिए आप। तो यहाँ पे देखिए शिवस धन अर्च, तो इसमें काफ़ी संधियाँ काम कर रही हैं, उसको भी हम बता दें। अब देखिए इसको जब हम इसका अलग करेंगे तो शिव धन रू, अब देखिए शिवस धन अर्च, अब देखिए आपसे हमने क्या कहा कि ह्रस्व आ के बाद रू हो और रू के बाद ह्रस्व आ हो, ठीक ना? तो यहाँ पे आपका शिवो अर्चे का जो हम चेंज करेंगे तो शिवस धन अर्चे हो गया। क्लियर? ये आपका यहाँ से पहले आप उठाएंगे, हमने जो है इसको पहले खंड के रूप में पहले कर लिया ताकि इस तरह से अभी आप जानते रहें। तो शिवस धन अर्च, उसकी बात आपका क्या कहा गया है कि शिव में आपका अ है, ठीक ना? यदि ह्रस्व आप पहले भी हो या बाद में भी हो तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो शिव धन रू, अब सा को हम क्या कर रहेंगे रू में परिवर्तित करेंगे। क्लियर? तो फिर अर्च हो गया, यानी सस जुसो रू से रू में परिवर्तित करेंगे। ये आपका अभी हमने आपको उत्तु संधि के बारे में आपसे बताया था ना, तो रुत्व संधि उसके बारे में आपसे बताया था ना, तो उसकी उसका जो सूत्र है यहाँ पर वो काम करेगा, ठीक ना? तो इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद आपका माफ़ कीजिएगा, तो ये जो आपका रुत्व संधि हमने आपसे बताया था, रुत्व संधि में आपका सूत्र ससु जुसोरु था, तो उस हिसाब से ये शिव धन रू धन अर्च, अब देखिए हमने सामने लिखा है ना ससु जुसोरु से रू हो जाएगा। क्लियर? और फिर उसके बाद शिव, अब रू का हमने रा में परिवर्तित हमको करना पड़ेगा, तो ये किस हिसाब से होगा, तो रू का जो है ऊ में लोप हो जाएगा, शिव आधा रा और फिर अर्च, तो रू का ऊ में लोप हो जाएगा, तो रू जो है आपका हट जाएगा और फिर ये ऊ में इसका लोप होगा। तो देखिए वहीं पे हम नीचे लिखे हैं शिव धन ऊ, यानी रा का लोप हुआ ऊ में परिवर्तित होगा, तो शिव धन ऊ धन अर्च, ठीक ना? अब इसको जब हम परिवर्तित करेंगे तो अतोरो रूपला दप्लुते के अनुसार फिर इसका जो है इसको हमने ऊ में कन्वर्ट किया था इस सूत्र के अनुसार, अतोरोर रप्लुदा तप्लुते के अनुसार। अब देखिए इसके बाद आगे है शिवो धन अर्च, शिवो धन अर्च, अब ये कैसे होगा, ये आदगुण से आ धन ऊ, अब देखिए शिव में आ लगा हुआ है, ठीक, और ये ऊ, ये दोनों मिलकर आ ऊ मतलब आदगुण यानी गुण संधि के अनुसार। क्लियर? तो शिवो हो जाएगा। क्लियर? और इसके बाद फिर जब हम इसको फिर एक मिला देंगे ये पूर्व रूप संधि के अनुसार ये अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। हमने आपसे चर्चा की थी ना, क्या नाम है आपका, पूर्व रूप संधि में कि जो है अवग्रह चिन्ह में लाने के लिए जो है आ को जो है हम क्या लिखते हैं, इसमें इस आकार में लिख देते हैं, यस के आकार में, तो ये अवग्रह अ मान लिया जाता है पूर्व रूप संधि के अनुसार, तो ये आपका हो जाएगा शिवो अर्च। थोड़ा सा ध्यान से मनन करिएगा, जो हम बताए हैं उसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये दिमाग से स्लिप करेगा। क्लियर?
वैसे ही आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपसे जो है ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा। आपकी संधि संधि में उसका विस्तार करिए, आपको सिर्फ ऑप्शन दे देगा, उत्त संधि के अनुसार इसका सूत्र बता दीजिए, तो एक नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। उत्त संधि का सूत्र पूछ लिया तो ये आप ट्रिक कर दिए, ऑप्शन में मिल जाएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। पूछ लिया कि आपके चार ऑप्शन बना दिए, चारों ऑप्शन में आपकी कोई संधि का नाम दे दिया गया, ठीक ना। तो संधि आपसे शब्द रख दिए और संधि पूछ लिया कि इसमें कौन सी शब्द संधि होगी। अब आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि शिवो अर्चे में कौन सी संधि होगी, तो यदि आपको जो है वहाँ पे पूर्व रूप ना दिया हो, ठीक ना, वहाँ पे आपको पूर्व रूप ना दिया हो और आपका उत्त संधि रखा हो, तो वहाँ पे उत्त संधि सही मान ली जाएगी, आपका ये सही हो जाएगा। यदि ये ना दिया हो और पूर्व रूप दिया हो, पूर्व रूप दिया हो, तो आपका पूर्व रूप सही हो जाएगा, क्लियर। तो चाहे ये सही हो जाएगा चाहे ये सही हो जाएगा, लेकिन आपका दोनों अलग अलग होंगे, ऑप्शन में ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। यदि एक साथ आएंगे तो ए बी करके दोनों ऑप्शन सी में बना देगा कि ये दोनों सही हैं, तो दोनों सही हो जाएगा, क्लियर। तो इस हिसाब से आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपका शिवो अर्च जो है पूर्व रूप संधि के अनुसार हम इसको जोड़ रहे हैं उत्तर संधि में, क्लियर। बहुत ध्यान से समझिएगा भैया, बहुत टेढ़ी थोड़ा सा है लेकिन बहुत आसान भी है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे है आपका रलोपे संधि। रलोपे संधि, रलोपे में इसका सूत्र क्या है, रोरी, ठीक ना। तो रोरी इसका संधि है। अब देखते हैं रलोप संधि में तो इसका सूत्रार्थ क्या है, ये क्या कहना चाहता है, परिभाषा इसकी, यदि पद के अंत में र हो और बाद में भी र हो तो पूर्व रा का लोप हो जाता है, यदि पद के अंत में रा हो, ठीक ना, पद के अंत में आपका रा हो, ये देखिए, और बाद में भी रा हो तो जो है पूर्व का रा का लोप हो जाता है। अब देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है बालकास धन रमनते, बालकास धन रमनते। अब क्योंकि यहाँ से ये उठेगा जो है, तो इसको हमने नीचे किया, पहले हम आपको खंड करके ऊपर से स्टार्ट कर दिए हैं। तो बालकास धन रमनते, तो बालका धन रु धन रमनते, बालका धन रु, अब रा का जो है हमने उत्त संधि के अनुसार इसको जो है चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। विसर्ग संधि में दूसरी संधियां भी काम करती हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आपको व्याकरण शास्त्री नहीं बनना, केवल आपको पढ़ाना है प्राइमरी विद्यालय में या फिर जूनियर में चाहे जहाँ भी, लेकिन जब आप ऊपरी की कक्षाओं में जाएंगे आपकी हाई स्कूल इंटर में, तो वहाँ इन सब चीज़ों को सूत्र के अनुसार उसको समझाना पड़ेगा बालकों को। लेकिन आप प्राइमरी में हैं, प्राइमरी में इसकी इन सब चीज़ों की जो आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। आपकी प्राइमरी में कक्षा 4-5 से संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन ये सब चीज़ें उसमें नहीं हैं। आपके वो दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, मतलब स्वर संधि के, आपके व्यंजन और विसर्ग भी नहीं रहते हैं, इसलिए आपको आपके सिलेबस के अनुसार इसको दिया है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, देखिए आगे है आपका बालका, अब रू का जो है फिर हमने रा में परिवर्तित किया, रोर के अनुसार पूर्व रेफ का लोप हो जाता है, तो पूर्व रेफ का लोप करने के लिए जो ये जो रा है आपका, इसका लोप हम कर देंगे पहले वाले रा का, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये जो रा जो है पूर्व रा यानी पहले, तो ये वाला रा जो आपका लोप हो जाएगा या हट जाएगा, और यह सब एक मिलकर हो जाएगा बालका धन रमनते, यानी रा लोप, ठीक ना। इस संधि में जो है रा का लोप हो जाएगा, तो एक कंप्लीट शब्द बनाएगा बालका रमनते, क्लियर। अब आगे चलते हैं हम, आगे एक और सूत्र है, मतलब आपका रलोपे संधि में एक और इसका सूत्र है, दूसरा है, इसको देख लें हम। सूत्र इसका है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। अब इसको देख लें हम, ये आपका रलोपे संधि का एक दूसरा सूत्र है, जहाँ पर ढा और रा का लोप हुआ हो तो उससे पूर्व वर्ण में लगे हुए अण यानी आ ई उ, ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अयुण आपने पढ़ा ना, तो अयुण में जो है आपका आ ई उ और रा,
तुरड़ा जो है आपका नहीं लिया जाता, क्योंकि ये आधा है। माहेश्वर सूत्र में पाणिनि जी ने कहा था कि जो आपका बाद वाला अक्षर लास्ट वाला बचेगा वो आपका हलंत होता है, उसकी गणना नहीं की जाती मेन रूप के पार्टों में। तो ये आपका मेन पार्ट है अण प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई ऊ ण, तो ये आपका अड़ा तक जाया, लेकिन आपके जो हलंत बिना हलंत वाले हैं वो तीन ही हैं आ ई ऊ, और बाकी ड़ा को हमने नहीं लिया। ड़ा को एक प्रत्याहार के रूप में जोड़कर एक शब्द दिया गया यहाँ पे अण, ठीक ना। अब देखते हैं आगे, फिर से देखिए, जहाँ पर ढा और रा का लोप हुआ हो तो उससे पूर्व वर्ण में लगे हुए अण प्रत्याहार स्वर को दीर्घ कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दीर्घ करने की बात आई है तो अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक ना, तो अंतर्राष्ट्रीय है, तो ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय में अंतर हमने लिखा, और ये जो रा का जो है अ है इसको हमने क्या किया जो है इसको हमको दीर्घ में करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको जो है हम शुरू शुरू में इसको कट का निशान लिए, अंतरा नहीं लिखे हैं, केवल अंतर लिखे हैं, फिर उसके बाद हमने राष्ट्रीय लिखा है, और फिर इसको बाद रा को फिर हम हटा रहे हैं कुछ क्षण के लिए, क्योंकि हटाना पड़ेगा। तो ये अंत में जो आपका अ है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, अंत में जो है आपका ये ता में जो आ है, तो त्वा को हमने हलंत किया और हमने आ अलग निकाल लिया, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो रा है आपका इसको हमको हटाना है, ठीक ना। फिर से देखिए, नहीं समझ में आया होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय में अंतर धन राष्ट्रीय, अब अंतर में जो है रा को हमको हटाना है, तो इसको हमने देखिए क्रॉस का निशान दिया है, ठीक ना। उसके बाद जब तीसरा लाइन में चलेंगे तो अंतर, तो ये में ता को हमने हलंत किया और इसमें ता में से आधा ता कर दिया और आ को निकाल लिया, और उसके बाद ये राष्ट्रीय हुआ, फिर अंत, ठीक ना। अब इस क्योंकि हमको अण में लाना है तो इसमें जो है अ को हमने यहाँ पे बड़ा मान लिया, ठीक ना, तो ये हो जाएगा अंता, फिर राष्ट्रीय, अब वहाँ पे हम कन्वर्ट किए तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, क्योंकि हमको आ में लाना था। पूर्व रूप में लगे हुए वर्ण अण स्वर को दीर्घ कर देते हैं, यानी बड़ा रूप कर देते हैं। अब आपको बता दें कि यदि आपको हिंदी में लिखना हो तो ये रूप आपका सही होगा, और संस्कृत में आपका ये जो है अंतर्राष्ट्रीय इस तरह लिखा जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये हिंदी में आपका लिखा जाएगा ये सही है, और संस्कृत में आपका ये रूप सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बोला जाता है संस्कृत में, और अंतर्राष्ट्रीय आपका हिंदी में बोला जाता है, क्लियर। और आपका आगे है हरिर रम्य, अब इसको देख लीजिए, हरिर रम्य में आपका हरिर रा को हमने यहाँ पे हटा दिया और फिर रम्य किया, ढा और रा का लोप करना पड़ता है, ढ्रलोपे पूर्वस दीर्घो अण, ठीक। और उसके बाद हर, क्योंकि ये रा पे बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा लगी है तो हमको जो है रा को आधा करना पड़ा और ये हमने बाहर किया, फिर उसके बाद रम्य किया, फिर हर, फिर उसके बाद ये जो है बड़ी ई में इसको हम चेंज किए, और फिर आपका रम्य हो जाएगा, और ये जो है आपका पूर्ण शब्द में हरि रम्य हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका जो है, हमने आपसे क्या कहा कि स्वर को दीर्घ करना पड़ता है, इस नाते ई को हमको क्या करना पड़ा, दीर्घ करना पड़ा, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ, वही हाल आपका अंतर्राष्ट्रीय में हुआ, क्लियर, वही हाल आपका हरि रम्य में हुआ। और उसके बाद आपका तीसरा शब्द है, बड़ी मुश्किल से ये शब्द मिला जो है, इसका ढाका जो है कहीं रूप ही नहीं मिल रहा था, ये विसर्ग संधि में आपका जो है ये ढड़ोपे पूर्वज दीर्घोण में, तो ये चीज़ हमने लिढ़ धन ढ, ये ढाका हमें नहीं मिल रहा था, हमने बड़ी मुश्किल से इसको पाया, हम आपको इसको हम बता दें, यदि ऐसा दे दिया जाए तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक ना। तो ये आपका लिढ़ धन ढा, तो अब इसको जब हम पूरा एक में करेंगे तो इसको हम बड़ी ई की मात्रा में लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा लीढ़, क्लियर। इसी हिसाब से जो है ये आपका लीढ़ भी इसका विस्तार होगा, क्लियर। तो आज आपका जो है विसर्ग संधि समाप्त हुई, और संधि का हमने चैप्टर क्लोज किया। इसके पहले हमने माहेश्वर सूत्र,
आज संधि कंप्लीट हुई और हम आपको जो है आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में चर्चा की, बाह्य प्रयत्न आंतरिक प्रयत्न के बारे में हमने आपसे बच्चों चर्चा की। अब हम आपको आगे के भाग में, चाहे हम कारक से शुरू करें चाहे हम समास से, आपका चैप्टर हम लेके पुनः उपस्थित होंगे। तो यदि आपको कारक पढ़ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, चाहे समास पढ़ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम वही शुरू चैप्टर कर देंगे। तो फिर हम आपसे अगले भाग में पुनः मुलाकात करेंगे। लेकिन आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार, अपनी एक लाइक हमें ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले भाग में, अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा मस्त रहिएगा। टेक केयर, जय हिंद जय भारत।